हमारा यूनिवर्स हमेशा मूव करता रहता है। प्लैनेट्स स्टार्स के चारों तरफ घूमते हैं, स्टार्स गैलेक्सीज में इकट्ठे होते हैं। लेकिन एक और मूवमेंट है जो स्पेस और टाइम को कंट्रोल करता है, वो है यूनिवर्स का एक्सपेंशन। इसका मतलब है गैलेक्सीज के बीच की जगह फैल रही है, जैसे ब्रेड के पैन में डोह फूलता है। ये सोचने वाली बात है, लेकिन साइंस के पास इसके बहुत प्रूफ्स हैं। एक बलून इमेजिन करो जिस पर डॉट्स बने हैं। जैसे जैसे आप बलून फुलाते हैं, डॉट्स दूर होते जाते हैं। यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझने का ये एक सिंपल तरीका है। गैलेक्सीज खुद स्पेस में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बीच का स्पेस बिरआइश रहा है। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का आइडिया हमें बिग बैंग थ्योरी तक ले जाता है। इस थ्योरी का कहना है कि यूनिवर्स बहुत हॉट और डेंस स्टेट से शुरू हुआ था, लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। एक पल में स्पेस खुद फट गया और यूनिवर्स तब से एक्सपैंड और कूल हो रहा है। बिग बैंग को स्पेस में होने वाले एक्सप्लोजन की तरह नहीं, बल्कि खुद स्पेस के एक्सपेंशन की तरह समझो। ये एक्सपेंशन बॉम्ब फटने जैसा नहीं है, ये स्पेस टाइम के फैब्रिक का स्ट्रेचिंग है। बिग बैंग का एविडेंस हमें दूर की गैलेक्सी से मिलता है, जो दिखाती हैं कि वो हमसे दूर जा रही हैं। एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को मेजर करने के लिए कई टेक्निक्स यूज करते हैं। एक मेथड में दूर के सुपरनोवाई को ऑब्जर्व करना शामिल है, जो एक्सप्लोडिंग स्टार्स होते हैं, जो कॉस्मिक माइल मार्कर्स की तरह एक्ट करते हैं। ये सुपरनोवाई कितने ब्राइट दिखाई देते हैं, ये मेजर करके एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी दूर हैं और कितनी तेजी से हमसे दूर जा रहे हैं। दूसरा मेथड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पर निर्भर करता है, जो बिग बैंग की एक फेंट आफ्टरग्लो है जो पूरे स्पेस में फैली हुई है। इस रेडिएशन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके साइंटिस्ट अर्ली यूनिवर्स और उसके एक्सपेंशन के बारे में जान सकते हैं। सेक्शन 4, डार्क एनर्जी, द यूनिवर्स इज हिडन हैंड। यहां कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा है, जैसा कि हम ग्रेविटी की वजह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी बजाय ये और तेज हो रहा है। साइंटिस्ट्स ने इस एक्सेलरेशन को डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय फोर्स के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एक रबर बैंड को स्ट्रेच करने का इमेजिन करो। आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो इवेंचुअली स्लो हो जाएगा और रुक जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर इसके बजाय वो तेजी से और तेजी से स्ट्रेच होता रहे? डार्क एनर्जी यूनिवर्स के साथ यही कर रहा है। हम नहीं जानते कि डार्क एनर्जी क्या है, लेकिन इसे समझना मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सेक्शन 5, गैलेक्सीज इन मोशन। जबकि यूनिवर्स एक होल की तरह एक्सपैंड हो रहा है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटी अभी भी स्मॉलर स्केल्स पर काम करता है। गैलेक्सीज अपनी ग्रेविटी से एक साथ बंधे हुए हैं और कभी कभी वो एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ टकराव के रास्ते पर है, लेकिन चिंता मत करो, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक नहीं होगा। ये गैलेक्टिक कोलिजन्स एक रिमाइंडर हैं कि यूनिवर्स एक डायनेमिक और हमेशा बदलने वाली जगह है। भले ही स्पेस एक्सपैंड हो, गैलेक्सीज को अलग कर रहा हो, ग्रेविटी उन्हें एक साथ खींच सकता है कॉस्मिक फायरवर्क्स के स्पेक्टेकुलर डिस्प्लेज में। सेक्शन 6, आवर एक्सपैंडिंग फ्यूचर। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का फ्यूचर पर बहुत गहरा इंप्लीकेशंस है। जैसे जैसे स्पेस स्ट्रेच होता रहेगा, दूर की गैलेक्सीज और भी दूर हो जाएंगी और ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे दूर की गैलेक्सीज से लाइट शायद हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, इफेक्टिवली हमारे व्यू से गायब हो जाएगी। यूनिवर्स के एक्सपेंशन की खोज ने कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। यह हमें बताता है कि हम एक डायनेमिक और इवॉल्विंग यूनिवर्स में रहते हैं, जो एक धमाके के साथ शुरू हुआ और अननोन में एक्सपैंड होता जा रहा है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम केवल यही सोच सकते हैं कि यूनिवर्स अपने ओरिजिन और अल्टीमेट फेट के बारे में और कौन से रहस्य छुपाए हुए हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।